सतगुरु गरीब नवास सच्चे पातशाह जी दे साजी नवाजी गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ साध संगत गज के बुलाओ वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु प्यारे खालसा जी, आप जी ने गुरु प्यारे श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान सरदार गुरचरण सिंह जी टोहरा जी के पासों ਅਤੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਨ ਵਿਦਵਾਨ ਗਿਆਨੀ ਲਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਸੋਹਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣ ਕੇ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖਾਰਬਿੰਦ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਧੁਰ ਕੇ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤੁਮ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਦੇ ਮਹਾਂਵਾਕ ਦਾ ਪਵਿੱਤਰ ਵਿਚਾਰ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ श्री दरबार साहब जी के हैड ग्रंथी साहबान भाई साहब सिंह जी के पास सुंदर विचार सुन के मदभागी बने हो। जिस समय दे विच सरदार जस्सा सिंह जी आलूवालिया साहब ने जन्म लिया, बड़ा भयानक सीन सी, थावां थावां दे उपर केस जाड़ नूं खत्म करके सदा वास्ते दुनिया के चिन्ह मिटाउण दीआं कोशिशां कीतीआं जा रहीआं सन। उन्हां समयां दे विच जन्म लै के 5 साल की उम्र तो माता सुंदर कौर जी की गोद का आनंद प्राप्त होया। तकरीबन 10 साल की उम्र तक उत्थे समां बतीत करन दा सुभाग प्राप्त रहा। उस तो पिछों अपने मामा जी के नाल होर थावां ते विचर के गुरु घर दे विचों बख्शां प्राप्त करके अगे सेवा आरंभी। नवाब कपूर सिंह जी के पासों अमृत छकिया ते अपनी जिंदगी विच 2 गल्लां विशेष तौर पर बतीत कीतियां। बाकी भावें नीति मुताबक समय समय मुताबक चले हन, पर आरंभता तो लैके अंतम समय तक ये 2 चीज़ों का त्याग नहीं किया। एक अमृत छकाना, एक बाणी पढ़नी और पढ़ाउणी। पातशाह जी वार का कीर्तन आप करया करदे, भावें जंग का टाइम चाहे शांति का टाइम होवे, ते अमृत छके तो बिना अपने जथे विच किसी नूं भर्ती नहीं सी किया करदे। जे कुछ समय वास्ते कोई आउंदा तो सिक्ख्या लैके उन्हां पूर्णियां ते परिपक्क हो के अमृतधारी हो के ही पक्के तौर पर भर्ती हो सकता सी, नहीं तो घट रख्या करदे सन। ऐसा सुचज्जा जीवन उन्हां गुरमुखां दा सी। तां ही गुरु साहब जी ने पवित्र बख्शिश की है हुक्म द्वारे हुक्मनामे द्वारा, जन्म मरण दोहों में नाही, जन पर उपकारी आए, जीए दान दे भगती लाए, हर सिंह लैण मलाए। रजन सबाई जंग, जंग भी करया कर दे खालसा सो जो करे नित जंग, खालसा सो जो चढ़े तिरंग। घोड़ी दे सवारी दे बड़े भारी महार सन अते जंगी योधे सन। जिथे शांति सी, बाणी पढ़ के हिरदा ठरिया होया सी, उत्थे जुल्म नूं नाश करन वास्ते सदा वास्ते आप जी तत्पर भी रहा करदे सन। संसार विच जो भी पैदा होया सब ने पूछ करना है, सच्चे पातशाह जी का पवित्र फरमान है, जो उपजो सो बिंस है, परो आर के काल, नानक हर गुण गाई लै छाड़ सगल जंजाल। सारे धंधे नूं छड़ना किस तरह है, ये नहीं कि धंधे छड़ के कोई झोंपड़ी पा के जां किसी कंधरां विच वड़ के चौंकड़ी मार के बैठे रहो, इहदा नाम त्याग नहीं। हाथ पाओ कर काम सब, चीत निरंजन नाल काम भी करना है, संसारी विहार भी चलाने हन। गृहस्थ मार्ग विच रहिंदे होइआं सारिआं तों निर्लेप रह के परमेश्वर दे नाल मन नूं जोड़ के रखना, इस तरीके नाल अपना जीवन बतीत करना है। सतगुरु जी का फरमान है, दिन ते पहर पहर ते घड़ियां, आव घटा तन शीजै, काल अहेरी फिरा बदक दिआं, कहो कौन बिद कीजै। सोधन आम लागा,
मात पिता भाई सुत बंता कहो को है कहा कह दसो कौन है किसी की मां ते कौन है किसी का पिता है केत्या के बाप केत्या के बेटे केते गुरकेले हुए आगा पाशा गणत न आवा क्या जाति कौन हुए ऐसी हालत है जीवा दी। जिस तरह अमृतसर साहब तो गड्डी ते चढ़ के कलकत्ते जाना होवे हावड़े ते जिस मनुख ने जिस स्टेशन तक पैसे दिते हो उतों का टिकट उसनों मिलता तो उस स्टेशन से जाके पी टी उतार दिता उसनों उतरना पैंदा पर जी ने पूरा किराया इतों दे के हावड़े का टिकट लिया होवे उत्थे पहुँच के पी टी जो हुंदा नाल जा रहा गड्डी दे ताकियां बंद करके सो उतारदा जा रहा सवारियां नू एक तो सवारी अड़ के बैठ गए उन पूछा की गल है उतरदा नहीं कहिंदा मैं पैसे पूरे दित्ते सी ओ ताकियां बंद करन वाले ने कहा कि पैसे दित्ते सन पूरे पर उस स्टेशन ते आ गया तुहानू उतरना पवेगा उतरदा नहीं आखिर वो टी टी ने पुलिस नू लिया के कर्मचारियों की सहायता लैके उसने पकड़ के उतार लिया ते जेल विच बंद कर दिता। इस तरह खालसा जी ये जीवन है देख ये गड्डी है जीव आत्मा इस विच सवार है 72 जो मोटियां नाड़ियां मनियां उस तरह कुल नाड़ियों की गिणती ग्रंथों विच 72,72,72,202 मनियां है पर मोटियां हड्डियां जिसनों आपां कहिंदे हां इहनूं डब्बे मन्निया है इहनां कोठड़ियां दे विच इहनां डब्बियां दे विच खालसा जी जीव आत्मा चढ़िया होया है दे रूप समुचे तौर ते गड्डी है सारी सवासां रूपी टिकट इस जीव ने लिया होया है पुन्ना रूपी पैसे दे के जिन्ने क पुन किसी ने किए है जिन्ने क सवासां रूपी टिकट लिया होया है उस स्टेशन ते किसी बालक अवस्था विच किसी किशोर अवस्था विच किसी जवानी की अवस्था विच किसी प्रौढ़ अवस्था विच किसी बिरध अवस्था विच आखिर हावड़े स्टेशन ते आके उतरना पैंदा है। पर जिस वे जीव आत्मा देह रूपी गड्डी विच बैठदा काल रूप टीटी नाल नाल चल रहा है अंतम समा आउण ते अखां नक कन्न इंद्रिया रूप जितनिया हैं बारियां हैं इन्हां नूं बंद करता है जीव आत्मा उस वेले तंग हुंदा है उतरदा नहीं काल रूप टीटी जो है जमदूता रूपी पुलिस नूं नाल लैके जीव आत्मा रूप सवार नूं देह रूपी गड्डी विचों उतार के जूना रूपी जेल दे विच बंद कर दिंदा है पर उन्हां नूं करदा खालसा जी जिहदा कोई रखवाला ना होवे जिहदा कोई मालक पिता गुरु ना होवे जिहदा खसम कसाई कोई ना होवे अपना मालक बड़ा वड्डा है। जिस जिहड़ा भी मनुख श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे चरणां विच लग गया पंजां प्यार तो अमर छाके प्यार प्रचार है कि जिसने जीवन बतीत किया उन्हां बारे सतगुरु का फरमान है दूर रही ओ जानते बात ओ रास्ता बहुत दूर रह जाता है नाम सुना जब दूर हो भागा मत मारे हर जी ओ बेपरवाह है जमदूत जिहड़ा है ओ परमेश्वर का नाम जपन वाले दे पासों सैकड़े ने हजारा मीला दूर रहिंदा है लागे भी नहीं लगता बेनतियां करता हाथ जोड़ता है जे परमेश्वर का प्यारा कितने उत्थे चलिया जाए तो हाथ जोड़ के कहना नाम ध्यान साधना जन पदार्थ जीत नानक धर्म ऐसे चवै कीतो कौन पुनीत धर्म राजा जी हाथ जोड़ के कहता आओ गुरमुखो गुरसिखो गुरु के लाभ लियो जी आया नूं तुसां इत्थे चरण पाए मेरे को सारे पापी लोग अपद्र करन वाले लोग आउंदे हन तुसां किरपा कीती है। खालसा जी किन्हां नूं कह रहा है जिहड़े ककारां विच पूरे हन जिहड़े गुरु नाल छल नहीं करदे मुआफ करना अज सुभाव इहो जिहा बन गया है हजूर दी हजूरी विच गात्रा भी चौड़ा कृपान भी वड्डी कशहरा भी लम्मा गोड्यां तक हो जांदा है पर रात नूं कृपान लभदी नहीं ये बहुत घाटे वाली गल है धोखा गुरु नाल कर रहे हाँ पर धोखा अपने आप दे नाल हो रहा है गुरु तो कोई घाट नहीं वड्डा ना होगा घाट ना जाए
बहुता कई चलिए वड्डा नहीं हुंदा जे कोई गाला कढ़ी जावे घटदा नहीं हुंदा विगड़दा कुछ नहीं पर मनुख दे पल्ले कख नहीं रहिंदा आपां नूं श्री गुरु ग्रंथ साहिब दे लड़ लगना चाहीदा है आपां एकत्र होए हां धर्म दे मोर्चा चल रहा है इस संबंधी बेनती करांगा सारी संगत नूं माइयां नूं भी ते सिंघां नूं भी कि जितने आपां इत्थे एकत्र होए हां जहाँ बाहर संगत रह रही है थावा थावा की विचर रही है काम कार अपने कर रही है कि अपनी सारे की रुचि है कि आप आनंदपुर का मता पूरा लेना है जे आनंदपुर का मता खालसा जी आप प्राप्त करना है तो आप अपने मन में एक ख्याल जरूर रखना पवेगा जेड़ा मनुख अपने घरे ही नहीं वरदा उन्होंने घर की सफाई करने वास्ते किसी ने देना की है आप जमे हाँ 1756 आनंदपुर साहब कि जितने आप बैठे हाँ आप अपने मन में ख्याल करिए आप अपने घरे आए हुए हैं कि अमृत छक सारे ने पांच बाणिया कंठ हैं रहराज साहब कीर्तन सवेले का नितनेम आप रात में कहने लगा जरूर करते हैं जे तो इस निधि में पक्के तो आप आनंदपुर अपने घरे वड़ गए हाँ फिर तो आनंदपुर का मता बहुत मामूली जी गल है ये जरूर मनिया जाएगा तो जे आप अपने आप ही घरे वड़न तैयार नहीं तो दूजा आप अपने घरे वड़ेगा कौन शरीक ने तो कहना चंगा होया घरों निकलिया घरे वड़िया कोई मोर्चा बना के बैठेगा कोई घर का साजो समान बना के साजे ने लड़ाई करेगा इन्हें बाहर ही तुरै फिर दो आप अपने मन च ख्याल करो तो सोचो असं कि चिर घर रहने तो कि बाहर रहने बारे सारे नु सोचना पैना एक दो कल लीडर नहीं सारे वर्करां सारे माइया भाइयों नौजवान बच्चे बजुर्गों आनंदपुर का मता लैण वास्ते घरे आओ अमृत छको श्री गुरु ग्रंथ साहब जी उपर अडोल निश्चा रखो तो गुरु नूं अंग संग जाणांगे सच्चे पातशाह जरूर सहायता करदे हन जह जा काज किरत सेवक की तहां तहां उठतावा सेवक को निपटी हुए दिखावा यकीन रखिए जरूर सहायता कर दिया एक गल अफसोस नाल भी कहनी पैंदी है आ थोड़े दिन होए है चौड़ा पढ़े वाले में पढ़े लिखे सज्जन बैठे खन दीए कहते होंगे एक प्रेमी मिल पिया सिखा का पुत्र पढ़िया लिखिया कह लगा जी चित नहीं मानता मन नहीं मानता कि 300 साल पिछों ही गुरु गोबिंद सिंह साहब जी आके खालसे की सहायता करनगे मैं उन्होंने पूछ बैठा तेरा नाम की है कहता जी ना तो रणवीर सिंह मैं रणवीर दास ही कहा लेना सिंह कानून का होना सी जिन्हों अपने प्यो तो यह नहीं चाहिए कि मेरा प्यो मेरी सहायता करूंगा तो पुत किवें खवा सकदे गुरु साहब का फरमान है सतगुर मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए वह अविनाशी पुरख है सब में रहा समाए भाई बिधि चंद जी भावे पिछोकड़ इतिहास पढ़ के कई कबीर ओदा गलत फायदा उठाते पुठे पासे लगते हैं पर भाई बिधि चंद जी कुरबानी में लुको के छुपा के अपने निजी प्रयोजन पूरा करने वास्ते पुठा रस्ता अख्तियार कर लेंगे है भाई बिधि चंद जी इको एक सारी दुनिया में सिख है जिसनों गुरु साहबान ने अपने हिरदा अखर कहा हो भावे खालस ने अपना रूप कहा अपना मालक दसवें रूप में कहा अपने आप को सेवादार कहा है पर अपना हिरदा छेवें पातशाह ने केवल भाई बिधि चंद जी ने कहा है तो भाई बिधि चंद जी ने जब हिरदा कहा भाई बिधि चंद जी ने सेवा की तो यह जान के नहीं सी की कि छेवें पातशाह जी तो पता नहीं कितने बैठे होंगे पता नहीं मेरी रक्षा करे कि नहीं करे ये नहीं सी उन्होंने निश्चा से घर बाहर तेरा प्रवास तू जन कहा संघ ये जान के दूर नहीं मेरो प्रभ प्यारा खालसा जी मत दे पाठ छाल मार दी एक रोम नहीं सड़िया एक रोम नू सेक नहीं लगा भाई संगत जी नहीं सी लगा गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी दे हजूर जो भेटा किया गुरु साहब ने कहा कि उस वे बताले कि चिखा बना के सड़ जा नहीं सी सड़िया गुरु तो निश्चा हो जरूर सहायता करता है गुरु साहब का हुक्म है निश्चा कर अपनी जीत करो सतगुरु जी कहते कि सिखा तेरा जरा निश्चा और खिचाइया रख पर निश्चे को परपक्त करने वास्ते एक राह है वो राह की हटदा नहीं
और राह की है सतगुरु के चरणों में अरदास दो कि सच्चे पातशाह कृपा करो निश्चा सानू आप बख्शो। खास करके शरीरक तौर पर घटना वापरी है, संगत ने अखबारों में पढ़ी है, इतने रहने वाले जिम्मेवार सज्जनों ने सीन वेखे है। माना वाले कांड विच जिस दिन जथे की जीप फसी है तो पुलिस कर्मचारियों ने गोली चलाई, ब्रिष्ट मारे, बहुत गोले सुटे। उतों का जोड़ा सीन है पोले विच जेड़े सिंह हैं उन्होंने पूछ के देखा जाए, अपना मन तो हो सकता कितने दावादोल किसी का हो जाए पर उन्होंने सिंह का नहीं होगा। ड्राइवर के तीन गोलियां बजिया हो, एक लत्त विच, एक कमर कसे स्थान पर, एक पासे पर, एक शहीद सिंह पट्टा विच पिया हो, एक मोढ़ियां ते पिया हो, बाकी जख्मी जीप विच पए हो। जीप नूं अग लग चुकी होवे, खब्बे पासे का अगला टायर ते सज्जे पासे का पिछला टायर फट गया होवे, फिर ही लाश ते जख्मी वापस आ जाण। ते केड़ा सिख ते केड़ा संत ते केड़ा जिम्मेवार जिहड़ा कह सकदा मैं लिया है। छेवें पातशाह गुरु कलगीधर सच्चे पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहब जी आप लियाए। निश्चा रखिए तो जरूर कृपा होवेगी। कल जिस वेले प्रदर्शनी वेख रहे सां उस वेले गुरमुख प्यारे भाई सतबीर सिंह जी प्रिंसीपल साहब ने एक इशारा किया सी, मन च बड़ी खुशी आई सी ते तो सिक्ख्या भी प्राप्त हुई तो आप सारिआं नूं करनी चाहीदी है ते कहण वालिआं नूं भी करनी चाहीदी है। भाई गरजा सिंह ते बोता सिंह दा सीन दास ते संत बाबा हरचंद सिंह लंगोवाल वेख रहे सी तस्वीर तो, इन्हां सज्जनां ने उस वेले कहा सी कि गुरमुखो ये फोटो में एक बड़ी अमोलक सिक्ख्या पूछे तुसीं पढ़े लिखे दसो। इन्हां कहा सी कि खालसे दा के मूँह वल मूँह नहीं होना चाहिए, पिट्ठां जोड़नियां चाहीदियां। ठीक है, खालसे दा मूँह हमेशा ही गुरु ग्रंथ साहिब वल होना चाहिए। जो गुरु ग्रंथ साहिब तो मूँह फिर के मनुख वल हो जाए तो फिर घाटा पैंदा, चेहरा तो खालसे दा गुरु ग्रंथ साहिब वल ही होना चाहिए तो खालसे दीआं पिट्ठां जरूर जोड़नियां चाहीदियां। पर जे हुण किसी दी ना पिट्ठ होवे ते ना मूँह होवे उहदा की करीए। ते केवल लौंगोवाल ते जरनैल सिंह दी पिट्ठ नहीं जुड़नी चाहीदी है, सारिआं दी इक थां होणी चाहीदी है। उहदे विचों तां लाभ होवेगा, इह लाभ तां होवेगा जे आपां नूं हिरस लालसा मुक्की होवेगी। केवल गुरु की बाणी ते निश्चा ते हलीमी राज नूं कायम करना ये अपना निशाना होवेगा। ये निशाना किवें प्राप्त होवेगा? जो निशान साहब अज आप लहरा के हटे हाँ ये थले रहांगे। जे कदे चिट्टी झंडी थले, कदे हरी झंडी थले, कदे लाल झंडी थले, इस तरह तुरे फिरते रहे तो घट होवे। जेला मैं तेरा गुरु वाला तो बच के आ गया भई अकाल की तभी चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। इस आसरे लग के जेड़ा अपने जीवन रूपी बेड़े नूं एक कंपास सूई हुंदी है वह ध्रुव तारे वाल रहिंदी सीधी, खंडे का जो उच्चा पान है उपरली नोक है उहदे तों सिक्ख्या लैणी है। अपनी संसाराकार बिरती का त्याग करके बिरती नूं ब्रह्माकार करके भगवान रूप ध्रुव तारे वाल अडोल रखनी है। जो इस तरह रहेगी फिर चरखड़ी पर चढ़ जाइए, बंद बंद कट्टिया जाए, सी सारे नाल चीरिया जाए, चाहे खोपड़ियां लहाउणियां पैण, फिर खालसा ही छित्र दे नाल कुट के चंगी तरह जकरिए खान वर्गे नूं अगे ला के गुरु का सिख अपने जीवन रूप जहाज नूं मुक्ति रूप किनारे ते पहुंचा के सचखंड विच अपना साधो समान लै के सतगुणा रूप जिहड़ी समगरी है सत संतोख दया धर्म चार आदिक इहदे सहित प्रफुल्लत हो के पहुंचदा है। ये अज आपां नूं इस निशान साहिब तों सिख्या लैणी चाहीदी है। निशान साहब नूं तारां पाईआं, एक तार का लड़ उपर है तो एक थले है। जेड़ा तार का लड़ उपर है वो तो सिक्ख्या दिंदा कि अपनी बिरत एक टक वाहगुरु नाल जोड़ के रखो। जेड़ा तार का लड़ थले धरती च दबिया है वो तो सिक्ख्या लैनी दिशा सब में सब ते रह के तार ब्रह्म का वो ध्यान धरते
ग्रस्त मार्ग में रेंदे हैं जो कवल राह पानी है इस तरह का जीवन निर्लेप रख के ये नहीं जो कोई बगाना मरे तो चुप से जा हस पैना जे आपका मरे तो सहां निकल जानियां इस तरह का जीवन ही सिखया होना चाहिए। गुरु अगे अरदास करिए आप सच्चे पातशाह भाने चलन का बल बख्शे। तो आ जी हुकूमत हम दिन गल कर रही है प्रधानमंत्री पहला सुनिया इस पास बहुत इस करके नहीं पिया कि याद शहीद जी मना रहे हैं वो संबंध में गुरमत के आधार पर जिन्हें बोलिया जाए चंगा है अतूक मात्र समालती चित बेनती संगत को करांगा। खालसा जी जरा ये अपने मन में ख्याल आ गया है असी जी थोड़े हाँ तो गर्जा सिंह तो बोता सिंह की फोटो कल ही देखी सी को रात लंघी है जापान वो तो दो ही सी हुकूमत थोड़े दिन रही तो बहुते दिन खालसा राज कायम कर दिता दोहां ने टैक्स गिराया है सारा पार्लीमेंट जी बनाता कुर्सियां भी कायम करनिया पत्थर दी करनिया तीन ढेलिया से बना पिया पर दर्शा दिता कि खालसा भावें दो हो चाहे एक हो जिन्हें तीबर इच्छा हो जाए कि असं निशान साहब के थले राज कायम करना तो कर सकते हैं। सो खालसा जी भावें गल मेरी कहीं चुभेगी बेनती कौम के चरणों जरूर करांगा हिंदुओं नाल अपना वैर जाति तौर पर पे नहीं हुण तो नहीं पहला तो ही हिंदू सिख एकता का आप भरोसा दवाते आए हैं तो दवा रहे हैं तो शरीरक तौर पर वास्ते कुर्बानियां भी कीतियां हरी सिंह जी भंगी ने कसूर दी गढ़िया जाके धरना सी बड़ा भारी टाकरा करना पिया। इंदिरा ने एक सवाल उठाया सी घबराहट विच आके ढिंडरां वाले ने जिहड़ी आ 700 से 150 की गल की है मैं ढिंडरां वाले नूं पुछना चाहनी हां जिहड़ी सिखां दी हिट लिस्ट बनाई है वह किने बनाई है। हुण बीबी इंदिरा मैं इत्थे बाबा अकाल जी दे अस्थान उत्ते खड़ो के पुछी जांदा तूं उत्थे पार्लीमेंट विच इस तरह का गल का सवाद जा नहीं आना कितने बैठ के गल हुई तो पता लगू तो जा अखबारों जवाब दे अरे चार दिन हो गए मैंने चार दिन किए ने तो उत्तर नहीं कोई दे रही। वो कहते सिखां नाल मैंने बहुत हमदर्दी है ढिंडरां वाले ने गलत कह दिता 1 लाख हुण तां शायद 72 हज़ार हो गया उधर 70 सी 1,70,000 की गिरफ्तारी 150 तो वध सिंघां दीआं शहीदियां श्रोमणी अकाली दल के प्रधान साहब जी बैठे हैं श्रोमणी कमेटी के प्रधान साहब जी बोल गए हैं बाकी 55 सज्जन होर सुलझे हुए बैठे हैं कि इनिया कुर्बानियों तो पिछों इन्हों घर लटाउण तो उपरंत इन्ना खून दुलण के बावजूद कि इंदिरा ने अपने कहने से पंजाब का मुख्यमंत्री बदलिया थाना थाना तो अपन तकरीर दास जी तो संतान की तकरीर इतों की असं बाहर नहीं जा सके कि इस एक निकम्मे बंदे बदल दें जिरा खून पीन से इरादा तुलिया होया सिखां दा ते तुहाडे आके ला के तुहाडी चपली झाड़ का शकीन बनिया बैठा है इन्हू बदल दौ तो शांति हो सकती है पर 16 महीनों में उन्होंने बदलिया हिंदू 7 किसे ने मार दिते बस विच किसे सिख ने चंगा नहीं किया सारे ने क्या माड़ा होया पर हिंदू 7 मर गए 8 पैर नहीं लंघे मिनिस्ट्री टुट गई राष्ट्रपति राज लागू हो गया गड़बड़ करार इलाके नूं दे दित्ता ते सिख 150 शहीद होया ते 1 बंदा नहीं बदलिया ते हुण तुसीं सोचो सारे सिख बैठ के कि हिंदू साम्राज की गौरमेंट के मन विचा पग ते दाड़े प्रति की ख्याल है जे गल गलत है तो कोई चैलेंज करो तो मैं अपना सिर वढ़ के तुहानूं दे दूंगा। इंदिरा नूं मैं नारे वालों को बेनती करांगा नारे चंबौता जाओ सुन वाल ध्यान दिओ हिंदुस्तान की प्रधानमंत्री कह देवे कि सिखां नूं सोच लेना चाहिए पंजाब वालों नूं बाहरले सूबे बैठे सिखां का की बनेगा यह धमकी है
वो राष्ट्रपति पति है ते वाहेगुरु प्रधानमंत्री है ते मैं एक छोटा जिहा तुहाडा चौकीदार हाँ पर उत्तर देना साडा फर्ज है ना। उन्हें धमकी दी है कि बाहरले सिखां दा सोच लो की बनू, कोई मुकदमा दर्ज नहीं क्योंकि पंडतों के घरे जमी है। जे भिंडरांवाले ने स्टेज ते खड़ो के कहता बीबी जे तेरा यह ख्याल है तेरा नजरिया पग ते दाड़े वाले वास्ते ते गिणती असी भी करी बैठे सानू भी आउंदे है ते मुकदमा 506 धारा अधीन दर्ज अदालत विच ना तो तलवार दे के इंदिरा ने किसी भेजा ना तलवार दे के जरनैल सिंह ने किसी भेजा है ते मेरे ते मुकदमा दर्ज किवें होगा इंदिरा ते क्यों नहीं होया। जे विधान एक सारे वास्ते जे साझीवालता जी कहती मैं बहुत ही प्यारी हाँ तो बहुत ही चंगी हाँ गृह मंत्री सेठी बिना पड़ताल की तो ऐलान कर दिंदा है कि भिंडरांवाले नूं 8 दिनों के विच गुरु नानक निवास विचों कढ लवांगे, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। तो भिंडरांवाला कह रहे चबावे लोहे के चने आज ही तकड़े हथी पहला तू आवी अगे ला के होर ना मरवा बैठी किसी दे ते मुकदमा दर्ज है। गल केवल बोलन की आ, गोली चलाउण की दोहां पासां वालों किसी की नहीं गई, स्टेज तो बोलन की गल है। तो जिस देश विच सिख की जबान से इन्नी पाबंदी लग जाए कि सिख बोल भी नहीं सकता वो सिख किवें कह सकता मैं आजाद हां। मुकदमा चल रहा लुधियाने, फैसला होने लगा, भट्टाचारिया पार्लीमेंट विच बैठ के दिल्ली कह रहा है कि नछत्र सिंह नूं फांसी लगनी चाहिए है, उन्हें की अधिकार है कहण दा। उहदे ते कोई मुकदमा दर्ज नहीं। स्वामी आदित्या वेश हरियाणे दे रहण वाला वो कह रहा कि सिख सारे कशहरा परने चुको, पंजाब नूं निकल जावो, हरियाणे च सिखां दा कोई काम नहीं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं, क्योंकि मुंडे पंडतों दे है। केवल कृष्ण जिहड़ा वित्त मंत्री सी पहला उहने अज तो 5-6 महीने पहला खबर दित्ती सी कि समूह सिख संप्रदावां नूं खत्म कर दित्ता जाएगा, कुचलदिआं दरड़दिआं मरदिआं गए तां आउंदियां रहिंदियां हुण हट गए हैं, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। ते जे बलदेव प्रकाश इत्थों दे रहण वाला लीडर साहबान तो जानते, मैं तो कदे वेख्या नहीं उहनूं, उहने बयान दित्ता है एक वेरा इश्तिहार भी छापे सी कि दुखी तिक्की खैण नहीं देनी, सिर ते पगड़ी रहण नहीं देनी, कछ कड़ा कृपान इहनूं भेजो पाकिस्तान, कोई मुकदमा दर्ज नहीं। धारी होकर हक ना लेना एदू वड्डा भी पाप कोई नहीं। ना तो गुरु हरगोबिंद साहब ने जहांगीर तो कोई लसेंस लिया सी ते ना गुरु दसवें पातशाह नरंगे तो कोई लसेंस लिया सी। गुरु दे सिखां ते गुरु दी आग्या ते चलो, बावणी दे सिखां ते उहदी आग्या ते चलो। मैं अपने वल्लों इही शरणाजली समझदा हाँ कि भाई जस्सा सिंह ने जालमां दे दंड खट्टे करन वास्ते जिस तरीके दे नाल सूरवीरता ते सियाणप नाल ते बाणी पढ़ के जीवन बतीत किया है उहदा जीवन बना जे, इह सच्ची शरणाजली होवेगी। बोलदे कोई गलती ना अखर कोई वरत्या गया हो साध संगत के दर्दा नमाणा सेव अनपढ़ अनजाण जान के सारी संगत माही बख्शो। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु।